नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जन्माष्टमी है और तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को पाने के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए 4 रात्रियां सबसे बेहतर हैं। पहली है काल रात्रि, नरक चतुर्दशी या दीपावली। दूसरी है वो रात्रि शिवरात्रि। तीसरी है दारुणरात्रि होली। व चौथी है महोरात्रि मतलब जन्माष्टमी। यानी इस दिन किए गए सारे उपाय जरूर सफल होते हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की रात 12 बजे किए जाने वाले कुछ उपाय जो आपके जीवन में ला सकते हैं खुशियाँ। जन्माष्टमी की रात 12 बजे करें ये सिद्ध उपाय। काम सफल करने के लिए किसी मंदिर में केले के 2 पौधे नर मादा लगा दें। बाद में उसकी नियमित देखभाल करते रहें। जब पौधे फल देने लगे तो इनका दान करें, स्वयं सेवन ना करें तो आपको जीवन में अपने सफलता ही सफलता मिलेगी। रात 12 बजे भगवान का केसर दूध से अभिषेक करें। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी से भी दूध से अभिषेक करें और उन्हें प्रसाद रूप में भी केसर व लौंग चढ़ाएं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो हल्दी से भी आप लौंग चढ़ा सकते हैं। क्लीम मंत्र की 11 माला करें और भगवान के प्रसाद रूपी केसर का रोज नाभि व सिर पर तिलक लगाएं। दोस्तों, सिर पर लगाने से आपको हर तरह के आकर्षण मिल सकता है। जन्माष्टमी के दिन से आरंभ कर लगातार 27 दिन तक नारियल बादाम मंदिर में दोस्तों चढ़ाएं। असंभव काम भी जरूर पूरे होंगे। पीले लड्डू चढ़ाना भी लाभदायी साबित होगा। पीले लड्डू आप बना सकते हैं दोस्तों। बेसन को भून लीजिए हल्की आंच में। जब वो गुलाबी हो जाए 10 मिनट में बेसन भून जाएगा। उसके बाद आप भूरा डाल दीजिए। चीनी को मिक्सी में पीसकर भूरा बना लीजिए आधी कटोरी। जैसे आपने 1 कटोरी बेसन लिया है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें लड्डू के हिसाब से घी, देसी घी मिला लीजिए और भगवान का भोग लगाइए। श्री कृष्ण को खीर में आर्थिक लाभ चाहते हैं दोस्तों तो श्री कृष्ण को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का क्लीम कृष्णाए वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र के साथ जलाभिषेक करें। शत्रु से दोस्तों छुटकारा चाहते हैं, साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और राधा कृष्ण जी की मंदिर में जन्माष्टमी को चांदी की बांसुरी चढ़ाएं तो आपको जिससे भी आपको शत्रु से डर है, भय है, वो दूर हो जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए दोस्तों रात लाल को लाल पहनकर बैठें। सामने 10 पीली कौड़ियां रखकर 1 बड़ा तेल का ज्योत जला लें और कौड़ी को सिंदूर से रंग लें व हकीक की माला से इस मंत्र की 5 माला जप करें। ओम ह्रीं श्रीं श्री फट। कौड़ियों को धन स्थान पर दोस्तों रख दें। बरकत के लिए दोस्तों जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें। उसके बाद इस पत्ते पर रोली से श्री मंत्र लिखकर तिजोरी में रख लें। आपकी तिजोरी की बरकत बढ़ती रहेगी। और आपको एक और उपाय बताती हूँ दोस्तों,
राधा किशोर के मंदिर जाएं और वहां पर आप मोर पंख रखाएं, श्री कृष्ण के मुकुट पे चढ़ाएं, या ऐसे भी रख सकते हैं। उसके बाद 43 दिन के बाद वो मोर पंख अपनी तिजोरी में रख लें। देखिए आपकी तिजोरी हर समय भरी रहेगी। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।